मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी टड़िया जखनी वाराणसी 65-70 साल की उम्र हो गई और 6-7 साल का जब मैं था तब तक की बातें हमको याद है। तो पहले ये था कि किसान के यहाँ सब कुछ होता था। किसान बाजार में खरीदने नाम मात्र के चीज़ के लिए जाते थे, जैसे शादी ब्याह पड़ा तो कपड़ा हुआ और जेवरात हुए, ये सब खरीदने का। लेकिन किसान यहाँ व्यापारी आते थे, कढ़ई आते थे, नाई आते थे, धोबी आते थे, कुम्हार आते थे, हल जुआ या घर कुर्सी मेज चारपाई खटिया दुनिया भर का जो घरेलू सामान था वो सब आकर के बनाते थे और बदले में अनाज ले जाते थे। बनिया आते थे, अनाज ले जाते थे और पैसा देते थे। तो किसान माला माल था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, बाजारीकरण होता गया और वर्तमान समय में आज किसान खुद बाजार जाने लगा, हर चीज़ खरीदने लगा। इसलिए किसानों के ऊपर कर्ज हो गया और किसान के बेटे खेती छोड़ करके प्लान कर रहे हैं शहरों की तरफ। अब बीज कंपनियां आ गई, बीज बेचने लगी, कीटनाशक दवा बिकने लगा और दुनिया भर के प्लास्टिक के कुर्सी मेज और सोफा सेट बिकने लगे, जो सब कुछ नुकसानदायक। नहीं तो पहले देखिए, ये बाग बगीचा मैं लगाया हूँ, हमारे पूर्वज भी लगाए थे, हर तरह की लकड़ी हमारे पास है, लकड़ी का जो है आप सब कुछ कुर्सी मेज टेबल चारपाई सब बनवा सकते हैं। आपके गांव का बढ़ई बनाएगा उसको पैसा मिलेगा, तो गांव का पैसा गांव में, किसान का पैसा किसान के हाथ। ये सब पूर्वजों की परंपरा को फिर अगर अपनाया जाए तो गांव समृद्ध हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और गांव में जाड़े के महीने में कौड़ा आज भी जलता है तो एक दो गांव के लोग छोटे बड़े बूढ़े बैठते हैं तो चर्चाएं होती हैं, तो वो सब बच्चों के दिमाग में ज्ञान जाता है, तो उनका जो आज उनके दिमाग में परंपरागत बातें जाएंगी तो लोग सुनेंगे और ये बच्चों बच्चे दूसरों को सुनाएंगे तो परंपरा चलती रहेगी, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। यही सब सोच। देखिए ये इसमें धान लगा हुआ था, गहरी जुताई करके अब इसका मैं पलेवा करवा दिया, अब इसमें गेहूं की वैरायटियों का जो है लाइनिंग लगेगा अलग अलग वैरायटियों का। फिर फरवरी महीने में किसान आते हैं, उनको जो है वैरायटी के बारे में अनुभव बताया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है कि किसान भाई हमें अपनी खेती अपनी खाद अपना बीज अपना स्वाद अपनावें, स्वावलंबी बने और घर बैठे स्वरोजगार पावें। यही प्रयास मेरा है रघुवंशी किसान आश्रम ट्रस्ट के द्वारा, जो है हम यह सब कार्य कर रहे हैं कि फिर से हमारे गांव में खुशहाली आ जाए।